हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब? आज आपका गुजराती सेक्शन है ना, तो पहले तो हम अभी तक कितना सीखा गया, काट हो गया हमें, उसको रिपीट करेंगे हमेशा की तरह, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उसमें? क का मण नु का, ख खटारा नु ख, ग गणपति नु ग, भ घर नु घ, च चकली नु चा, छ छत्री नु छ, ज जमरूप नु जा, झ झपला नु झ, ठीक है? टपाली नु ट, ठठड़िया नु ठ, डमरू नु ड, ढक्कन नु ढ। फिर लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? अण फ्रेंड नु अण, त तलवार नु ता, थ थड़ नु था, द दड़ा नु द। याद होगा ना आप लोगों को? आई होप आप लोगों ने नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करा होगा और आप लोगों को अब इंटरेस्ट आ रहा होगा गुजराती सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। अब आप लोग सीखने लगे होंगे, ठीक है? तो आज हम द दड़ानु द से आगे बढ़ेंगे। तो पेज टर्न करेंगे, देखो द दड़ानु द के बाद में क्या आता है? देखो हिंदी में क्या लिखते हो, द दवा के द के बाद में द धनुष का ध लिखते हो ना, इसको गुजराती में कैसे लिखते हैं? देखो सेम टू सेम ही लिखते हैं, बस ये जो अंदर का सर्कल है ना उसको नहीं करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, द धनुष नु ध, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आता है, द धन ध से धनुष के बाद में क्या आता है हिंदी में? न से नल आता है ना, ऐसे लिखते हो ना, न से नल है ना। तो इसको आप गुजराती में कैसे लिखते हैं? सेम टू सेम ही लिखते हैं, बस खाली सिर पे लिटी नहीं बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, न नर नू न, आया समझ में? कैसे लिखेंगे इसको, न नर नू न, आ रहा है ना समझ में? अब देखो नेक्स्ट पेज। अब देखो हिंदी में क्या आता है न से नल के बाद में? फ से फल है ना, अरे सॉरी, प से पतंग है ना, प से पतंग ऐसे लिखते हो ना हिंदी में, इसको भी गुजराती में भी सेम टू सेम ही लिखते हैं, बस खाली सिर पर ओढ़नी नहीं बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, प पतंग नू प, आया समझ में? फिर अब प से पतंग के बाद में क्या आता है? फ से फल आता है ना, कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो हिंदी में, फ से फल है ना, इसको गुजराती में कैसे लिखते हैं? पहले एस फॉर सन बनाएंगे, फिर इसको नीचे से गोल घुमा देंगे, यानी कि सेमली लिखते हो ना हिंदी में, बस वैसा ही सेम टू सेम लिख के और बीच में से एक क्रॉस में लाइन बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फ फड़ नू फ, आ रहा है समझ में? फिर से रिपीट करते हैं, देखो ध धनुष नु ध, यानी कि ध से धनुष, ठीक है? न नर नु न, यानी कि न से नल, ठीक है? फिर पेज टर्न करेंगे, नेक्स्ट क्या सीखा? प से पतंग, यानी प पतंग नु प, दोनों का तरीका सेम है ना लिखने का, नल की तरह। फिर क्या है, फ से फल, यानी कि प फटाकड़ा नु प। अब फटाकड़ा मतलब क्या होता है? फटाके होते हैं क्रैकर्स जो दिवाली पे फोड़ते हो ना, उनको क्या बोला जाता है? फटाकड़ा बोला जाता है गुजराती में। तो ये क्या है, फ फटाकड़ा नु फ। आई होप आप लोगों को गुजराती अब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है? और कल हम क्या देख लेंगे, इसका होमवर्क देख लेंगे। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।